राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत में दूसरे लोकपाल हैं, जबकि पिनाकी चंद घोष भारत के पहले लोकपाल थे, जो 2 साल के कार्यकाल के बाद मई 2022 में सेवानिवृत्त। भारत के नए लोकपाल की नियुक्ति की घोषणा प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की चयन समिति द्वारा लगभग 3 सप्ताह बाद की गई। राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को भी न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, जबकि सुशील चंद्रा, पंकज कुमार, अजय तिर्की को गैर न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को 17 दिसंबर 2013 को संसद द्वारा पारित किया गया था। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। 1 जनवरी 2014 को अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ। वर्ष 2016 में इसमें संशोधन किया गया। संगठन इसमें एक अध्यक्ष, 8 सदस्य होते हैं, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। लोकपाल के पास सरकार में कुछ पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है, जिनमें प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए, बी, सी और डी के तहत केंद्र सरकार के अधिकारी भी शामिल। इसमें अधिकार क्षेत्र में किसी भी बोर्ड, निगम, सोसाइटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और निदेशक शामिल हैं, जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हैं या पूरी तरह या आंशिक रूप से केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं।